दोस्तों आज इस तरह की फोटो एडिट करने वाले। को स्नैपशीट के अंदर अपनी आने के बाद यहाँ पे पांचवा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे, सेटिंग कर लेंगे इसकी, ब्राइटनेस सैचुरेशन भी यहाँ पे अपने फ़ोटो के अनुसार ही रखना है। वैसे मैं इसका इतना रखता हूँ, ठीक है दोस्तों। और ब्राइटनेस फिर तो दोस्तों यहाँ स्टाइलिश स्ट्रेंथ कर लेना है और विंटेज स्ट्रेंथ कर लेना है, जो भी आपके फ़ोटो के हिसाब से बेटर लग रहा है तो वही आप सेट कर लीजिएगा। मैं इतना कर रहा हूँ मेरे फ़ोटो के हिसाब से, तो आप भी अपने हिसाब से कर लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 34 रखता हूँ और यहाँ सैचुरेशन रखता हूँ जो भी है अभी, अब यहाँ पे इतना कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद आपको करना क्या है, सेटिंग पे जाना है, ऑप्शन पे यहाँ पे व्यू कर लेना है, विंटेज यहाँ पे अब भी इस ब्रश वाले आइकन को लेना है और यहाँ पे इस पर आइकन टिक कर देना है। फिर यहाँ पे इसको जीरो रहने देना है। अब यहाँ से फ़ोटो के ऊपर से जितना भी बैकग्राउंड है उसको सिर्फ अपने फ़ोटो के ऊपर से लेना, बाकी बैकग्राउंड से नहीं लेना, हटाना है। जैसे कि ये मैं स्टॉप करके आगे बढ़ा लेता हूँ, ये मैंने इतना यहाँ से रह गया था। एक एक जूम करके आप लोगों को देखना है, एक जूम करके निकालना है इसका पार्ट, रह ना जाए कहीं पे। तो आपको आगे प्रोसेड करके दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे हो चुका है और आप क्या करना है, यहाँ पे आएंगे बैक में, आप लोगों को आ जाना है यहाँ पे और यहाँ पे ले लेना है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में आपको कर लेना है, इसमें थर्ड कैम्बो 3 लेना है। कैम्बो 3 पे क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आगे सेटिंग करेंगे इसकी, फेस स्पॉटलाइट जो भी है आप लोग देख रहे हैं, जितना हमारे फ़ोटो के हिसाब से है वो मैं कर लेता हूँ और अपने फ़ोटो के हिसाब से कर लीजिएगा। और ये इतना कर दिया है और इतना, और स्किन शूटिंग के देखेंगे कितने बेटर रहेगा। तुम भाई लोग अगर स्किन आई क्लियरिटी कर लेना है जितना दिखाना है, उसके बाद आप यहाँ पे फोटो एकदम बेटर लगेगी। और दोस्तों मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही फ़ोटो एडिटिंग आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो अब भी यहाँ पे भी स्किन फेस स्पॉटलाइट जो भी चेक करना है दोबारा चेक कर सकते हैं। दोस्तों क्या करना है, आप यहाँ पे डबल एक्सपोजर पे चले जाएंगे, यहाँ पे करेंगे इमेज एक्सपोर्ट, यहाँ पे इमेज ऐड करनी है आपको। ये PNG आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैंने ये PNG ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे लगाना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसको कर लेते हैं सेट बढ़िया अच्छे से, ताकि ना लगे कि हमने अलग से PNG लगाई है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप डार्क लाइट ऐड सबस्ट्रैक जो भी आप करके देख लीजिए, जिस पे आपको फिट हो रही हो लाइट तो वहाँ पे आप कर दीजिएगा, अदरवाइज़ आप फिर से चेंज करके देख सकते हो। मैंने ऐड पे कर दिया, ऐड पे करने के बाद इसको जूम आउट जूम इन करके देख लेते हैं, ठीक है। इतनी भी चेहरे पे ना आए कि वो देखने में अच्छा ना लगे, तो यहाँ पे मैंने कर दिया सेट। दोस्तों इसके बाद करते हैं इमेज सेव। दोस्तों ये एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें और लाइक कर दीजिएगा, अगर जो भी फ़ोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं वो उनके पास शेयर कर दीजिए।